बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सब के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पहले वाली रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ पुलाव, जो बहुत मज़े का बनेगा। आप लोग ज़रूर अपने घर में बनाइएगा। बिल्कुल देसी तरीके से बनाऊँगी, जैसे आम रूटीन में हमारे घरों में बनाया जाता है। ये तकरीबन आधा किलो बीफ लिया है मैंने, आधा किलो मैंने चावल लिए हैं जिनको मैंने चुन के साफ़ करके रख लिया है, दो मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, चार से पांच मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी जिनको मैंने ऐसे चॉप कर लिया था, दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिनको ऐसे मैंने काट लिया, दो टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो तेज़पात के पत्ते लिए मैंने, चार से पाँच टुकड़े दालचीनी के लिए मैंने, तीन बड़ी इलायची ली, पांच लौंग लिए मैंने, एक बादियान का फूल है और ये कुछ काली मिर्चें हैं, और नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप डालें जैसे आप पसंद करती हैं, और एक टीस्पून मुझे खुश्क धनिया चाहिए होगा। तो अब मैं बीफ की यखनी निकाल लूँगी और इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। तो आइए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। लो माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है, आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। साथ में ये शामी कबाब मैंने बनाए थे, मेरे चैनल पे मौजूद हैं, ये भी साथ मैंने फ्राई किए, रायता बनाया ज़ीरे वाला, आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।